हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके लिए मेघा वागे बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसमें हम सारे टूल्स का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे आज हम लोग नेचर से रिलेटेड एक व्यू क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम सभी शेप्स का यूज़ करेंगे। ये रेक्टेंगुलर शेप होता है जैसे हमारा, देन इसमें हम लाइन टूल को यूज़ करके बहुत ही अच्छा व्यू एक क्रिएट करेंगे। देखिए, लाइन टूल को अगर आप यूज़ कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि इसमें स्ट्रेट लाइन आए, तो आप शिफ्ट को प्रेस करके स्ट्रेट लाइन वगैरह ला सकते हैं। अगेन हमने यहाँ पर क्लिक किया लाइन टूल को। नेक्स्ट शेप में इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि पहले ही वाले लाइन टूल को हमें स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप नेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लाइन टूल का यूज़ करके हट वगैरह बना सकते हैं। देन हम इसमें रेक्टेंगुलर शेप्स का यूज़ करके इसका डोर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन हम इसमें विंडो वगैरह इसकी बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू, एंड आप इसमें लाइन टूल का अगेन यूज़ करके विंडो वगैरह बना सकते हैं। उसी तरीके से हम अगेन लाइन टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसका फ्लोर वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारी जो हट है वो रेडी हो जाएगी। अगर हमें कलर का फिल का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर जाके, अगर हमें कलर को लाइट करना है तो हम एडिट कलर में जाके अकॉर्डिंग टू यू आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से चलिए, जैसे येलो कलर वगैरह हमें फिल करना है तो हमें इसमें लाइट कलर का यूज़ करना है, तो हमने उसको लाइट किया, देन यहाँ पर जाके फिल कर दिया। और आप कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें डोर में इस कलर का यूज़ करना है, देन पिंक कलर को हमें थोड़ा सा लाइट करना है, तो आप एडिट कलर में जाके एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर अब हम लोग पेंसिल टूल का यूज़ करेंगे, जिसमें थोड़ा सा पेंसिल का साइज़ हमने बढ़ा लिया, देन यहाँ पर हम इसका यूज़ करके इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही सुंदर। इससे ये है कि देखिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं, तो आपको माउस कंट्रोलिंग वगैरह बहुत बेटर हो जाता है जब आप इस तरीके से यूज़ वगैरह कर सकते हैं। फिर हमने फिर कलर पर क्लिक किया, देन आप इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हैं। फिर हम कर्व टूल का यूज़ करेंगे। कर्व टूल को हमने यहाँ से यूज़ किया। आउटलाइन कलर हम ब्लैक ही रखते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी कर्व करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने अगेन लाइन टूल का यूज़ किया। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, प्लांट से रिलेटेड आप कर सकते हैं। देखिए, सभी टूल का यूज़ करने से बेनिफिट ये होता है कि माउस कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है और व्यू भी क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का। लाइन टाइल का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा अच्छा बना सकते हैं, नॉट स्पेशली लाइन टूल्स, सभी टूल्स का यूज़ करके आप काफ़ी बेटर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग पेंसिल टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कुछ प्लांट्स वगैरह इस तरीके से लगे। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। फिर हम अगेन फिल कलर में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क लेना है, तो हमने यहाँ पर जाके ग्रीन कलर थोड़ा सा डार्क ले लिया। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पर आए, हमने फिर इसको फिल किया, देन इसको फिल किया, यहाँ पर हमने इसको भी फिल कर दिया। अंडू कर दीजिए, अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अंडू से बैक कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर सन वगैरह बनाना है या कोई प्लांट वगैरह बनाने हैं, उस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आउटलाइन कलर हम ब्लैक ही रखेंगे। चलिए, इस तरीके से हम लोग प्लांट वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी प्लांट वगैरह बनाना है, प्लांट बनाना है, ट्री बनाना है, तो आप कर्व टूल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पेंसिल टूल वगैरह का यूज़ किया। लीजिए, अब आप यहाँ से इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। फिर इसमें आप ब्राउन कलर फिल कर दीजिए। ये हमने क्लिक किया इस तरीके से, बाई मिस्टेक मेरे से आउटलाइन पे क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, हम अंडू कर देते हैं, देन अगेन चलते हैं। अब आपने कहा ये ब्लैक यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड में इट्स अ फोरग्राउंड कलर, इट्स अ बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर भी ब्राउन कर देते हैं और ये जो ब्लैक ब्लैक है हमारा, इसको हम ब्राउन में ही कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप इरेजर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हो,
यहाँ पर आप इस तरीके से इसको यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्राउन ही कर दिया हर जगह काफ़ी फिनिशिंग से इस तरीके से। चलिए फिर हम अगेन इसको वाइट कर देते हैं, चलते हैं हम अपने फोरग्राउंड कलर में। उसके बाद होता है पेंसिल का यूज़ करके आप थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लीजिए, और हमने ब्लैक कलर ही लिया। यहाँ पर थोड़ा सा हमने कंट्रोल एंड प्लस करके पेंसिल के साइज़ थोड़ा सा हमने बड़ा किया है इस तरीके से। हमने टूल्स का यूज़ करके हम काफ़ी अच्छा अच्छा बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ करके इस तरीके से ट्री वगैरह बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा आप बना सकते हैं इस तरीके से करके, जैसे कोई भी ट्री आप बना सकते हो इसका यूज़ करके। जितना ज़्यादा आप टूल्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको हर चीज़ परफेक्टली तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। जैसे इसमें पेंसिल है, टूल्स वगैरह है, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप टूल्स को परफेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगेन हम यहीं पर गए, अगर आपको और भी यहाँ पर लीफ वगैरह दिखानी है तो आप दिखा सकते हो लाइक दैट, ऐसे ऐसे। फिर हमने ग्रीन कलर लिया यहाँ पर, यहाँ पर भी हम इस तरीके से दिखा देते हैं इनका लीफ वगैरह इस तरीके से। पेंसिल से ही हमें पता चलता है कि कितना बेटर आपका माउस कंट्रोलिंग है। जितना ज़्यादा आप पेंसिल का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको माउस कंट्रोलिंग बेटर होगा, क्योंकि पेंट बहुत ही ईजी होता है माउस कंट्रोलिंग करने का। पेंट से बेटर वे कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर जाके इसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। हमने बना लिया, देन अब हमें यहाँ पर ग्रास वगैरह का पता दिखाना है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो इस तरीके से। हम ग्रास वगैरह का भी एक व्यू दिखा सकते हैं यहाँ पर, जैसे ग्रास वगैरह लगा है। फिर हम इसमें कलर वगैरह फिल भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके, जो भी आपको लेना है इस तरीके से। अंडू कर देते हैं, कोई नहीं, घबराना नहीं है। अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपके पास अंडू कमांड है जिससे आप बैक कर सकते हो। उसके बाद हम अगेन लाइन टूल में ही आ जाते हैं। चलिए, और आउटलाइन कलर हमने ब्लैक कर दिया यहाँ पर, या फिर आप कर्व टूल ले सकते हो। यहाँ पर जाके आप ग्रीनरी वगैरह अगेन दिखा सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। हमने कर्व ले लेते हैं, चलिए, और हमने थोड़ा सा ये ऊपर दिखा देते हैं। लाइन टूल वगैरह का यूज़ किया हमने यहाँ पर, अगेन स्ट्रेट लाइन लेनी है तो लाइन टूल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती है, यानी शिफ्ट के साथ अगर आप लाइन टूल को प्रेस करके यूज़ करते हैं तो जो हमारी लाइन टूल की लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है। चलिए अब हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। इसका पेंसिल का यूज़ करके हमने यहाँ पर प्लांट वगैरह का एक व्यू दिखाना है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर आपको बैटिंग भी करना है तो आप इजीली तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। चलिए अब हमें इसमें कलर जो भी फिल करना है हमने वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। देन फिल कलर में हम गए, उसको हमने यहाँ पर जाके फिल कर दिया। अगेन फिर हम यहीं आए, अगेन हमने कर्व टूल का यूज़ किया। यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं, जैसे लीफ वगैरह हमें यहाँ पर दिखाने हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लीफ वगैरह भी दिखा सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं इस तरीके से। फिर अगेन हमने पेंसिल, देखिए इस पेंटिंग में हमने जो भी टूल्स यूज़ किए हैं, देखिए सभी टूल्स का हमने यूज़ किया, चाहे वो आपका पेंसिल है, चाहे आपका वो शेप्स है, चाहे फिल कलर है। ऑलमोस्ट जैसे कोशिश मेरी यही है कि सभी टूल्स को मैं इसमें बता दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप टूल्स का यूज़ करें और एक ब्यूटीफुल व्यू क्रिएट कर सकें। यहाँ पर हम गए, फिर हमें कोई जैसे बैकग्राउंड कलर हमें बहुत ज़्यादा लाइट देना है तो यहाँ पर जाके हम दे सकते हैं इस तरीके से। देन ओके किया हमने, फिर क्लिक कर दिया, ये दीजिए। अब आपको जैसे सन वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर जाके सन वगैरह भी दिखा सकते हैं लाइक दैट ऐसे। अगर आप उसमें फिल कलर दिखाना है तो ये लीजिए। आपको बर्ड वगैरह दिखाना है तो आप ब्रशेज का यूज़ करके बर्ड वगैरह भी
दिखा सकते हो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमारा बर्ड वगैरह है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। उसके बाद होता है आपका, जैसे आपको दिखाना है यहाँ पर स्टोन वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ पर स्टोन वगैरह भी दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पर हमें दिखाना है तो आप दिखा सकते हो इस तरीके से सर्कल का यूज़ करके। आप इसमें ग्रे कलर फिल कर सकते हो जैसे हमारे स्टोन का होता भी है इस तरीके से। देन हमें दिखाना है कि यहाँ पर ग्रास है तो हम चलिए ब्रश टूल का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं जैसे ग्रास वगैरह लगाया है या कोई प्लांट लगाए हैं जिस पे कोई फ्लावर वगैरह लगा है तो आप ये दिखा सकते हैं, वरना तो आप ग्रास भी दिखा सकते हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो चलिए अगेन हम लोग ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर आके इस तरीके से ग्रास वगैरह का बना दिया, यानी आप जो भी ऐड करना चाहते हैं जिस तरीके से आपको व्यू क्रिएट करना है, जितना ज़्यादा अगर इसको हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी स्टूडेंट्स की मैं आपको अच्छे से अच्छा बना के दिखा सकूं और सारे टूल्स का यूज़ कर सकें हम।